अब इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को एज ए एरिया फंक्शन की तरह समझेंगे। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हम इंटीग्रेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो कैपिटल एफ एक्स है वह स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है। अब माना हमारे फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का है। सिंस हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यानी कि हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब माना हमें ए से बी तक का एरिया फाइंड करना है, मतलब हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है फ्रॉम ए टू बी। अब हम इंटरवल ए से बी के बीच में एक पॉइंट एक्स एज्यूम करते हैं जो कि कुछ इस तरह का है। अब पहले हम ए से एक्स के बीच का एरिया फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यदि हम पहले जीरो से एक्स का एरिया फाइंड करें एंड उसमें से जीरो से ए के बीच का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, तब हमें ए से एक्स के बीच का एरिया मिल जाएगा। इसे हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ एक्स डी एक्स, यानी कि ए से एक्स के बीच का एरिया इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि हमने जीरो से और एक्स के बीच के एरिया को लिखा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहां कैपिटल एफ एक्स लिखा है, जो कि अपने आप में ही एक इंटीग्रेशन है। एंड अब यदि हम इसमें से जीरो से ए के बीच का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको हम लिख सकते हैं एफ ए, तो हमें डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा। अब सिंस हमें ए से बी के बीच का एरिया फाइंड करना था और हम पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस सी फ्रॉम ए टू बी। अब हम इसको भी इसी तरह समझ सकते हैं कि यदि हम इस ग्राफ में पहले जीरो से बी के बीच का एरिया फाइंड करें और उसमें से जीरो से ए के बीच के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें ए से बी का बीच का एरिया मिल जाएगा। तो जीरो से बी के बीच के एरिया को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी प्लस सी। एंड जीरो से ए का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो हम उसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस सी। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा एफ बी माइनस एफ ए। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि यदि हमें किसी फंक्शन के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो हम पहले उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन फाइंड करें एंड उस नॉर्मल इंटीग्रेशन में पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे देन लोअर लिमिट को पुट करेंगे, जिससे कि हमें कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए मिल जाएगा, जो कि डिजायर्ड आंसर होगा। यहां भी जो फंक्शन स्मॉल एफ एक्स है उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहला ये कि फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए और सेकंड ये कि वो इंटरवल ए से बी में वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन फ्रॉम माइनस वन टू वन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम अभी सीख चुके हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो यदि हम यह गिवन फंक्शन x प्लस वन का ग्राफ प्लॉट करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। सिंस हमें ये इंटीग्रेशन माइनस वन से वन के बीच में फाइंड करना है, इसका मतलब यदि हम इस ग्राफ में माइनस वन से वन के बीच के एरिया को फाइंड करें तो वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू के बराबर होगा। अब हम इसका एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये लेंथ होगी टू एंड ये भी लेंथ होगी टू के इक्वल, एंड इस ट्रायंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू टू इंटू टू, यानी कि 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया 2 यूनिट। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। अब हम इसे इंटीग्रेशन के मेथड से भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम अभी पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एंड इसको आगे सॉल्व करने पर हम लिख सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम पूरे क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां हमने फंक्शन x प्लस वन को इंटीग्रेट कर दिया है
अब यहां लोअर लिमिट है माइनस वन एंड अपर लिमिट है वन, यानी कि बी की वैल्यू है वन एंड ए की वैल्यू है माइनस वन। तो जब हम एफ बी माइनस एफ ए करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की टर्म्स मिलेंगी। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा टू। यहां से हम कह सकते हैं कि हमारे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू टू के इक्वल मिली है। और हमने अभी डायग्राम से भी देखा था कि जब हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया था तो वहां से भी हमें उसकी वैल्यू टू के इक्वल ही मिली थी। इस तरह से आप देख सकते हो कि दोनों ही मेथड से आपके पास सेम ही आंसर आ रहा है।